AOSIP रोम फॉर Redmi Note 5 Pro। आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको AOSIP रोम के फीचर्स के बारे में और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। AOSIP रोम जो है काफ़ी पॉपुलर रोम है और अखिल नारंग एक डेवलपर है, उनका ये बिल्ड किया रोम है जो काफ़ी फेमस रोम है। ये रोम इसलिए फेमस है अपने बैटरी बैकअप के लिए और सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा कि कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या फाइलें इसके लिए चाहिए होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हमारे पास Redmi Note 5 Pro है। हम इसके एक लाइव वॉलपेपर भी यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है, कोई इसमें लैग नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे वाटरफॉल जो है चल रहा है। तो ये एक एप्लीकेशन होती है, उसको हमने डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, उससे हमने वॉलपेपर फिट किया है। तो अब बात करते हैं कुछ क्या इसका लुक है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ क्यूक टॉकल जो होते हैं, क्यूक सेटिंग्स पैनल आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं और सारे के सारे जिस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करना चाहें उनको कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको तेज एप्लीकेशन ठीक तरीके से काम कर रहा है, कैमरा टू एपीआई इसके अंदर इनेबल्ड है, गूगल कैमरे को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फ़ोन को रूट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको कोई कैमरा टू एपीआई इनेबल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंदर इनेबल्ड है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे। तो सबसे पहले चलते हैं कैमरा इसके अंदर जो है, अभी आपको स्नैपड्रैगन कैमरा मिलता है, आप इसको चेंज करते हैं। इसके अंदर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर साइज, पिक्चर क्वालिटी, काउंट डाउन टाइमर, फेस डिटेक्शन, ISO, सारे इसके अंदर मिलते हैं। बट अगर आप गूगल कैमरे को इंस्टॉल करना चाहें तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपने करना है। तो देखते हैं अंदर आपको एप्लीकेशन क्या क्या मिलती है। एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा एप्लीकेशन कुछ नहीं मिलेगी इसके अंदर। होम पे आप जैसे टैप करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वॉलपेपर्स, विजेट्स एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाकर आप होम स्क्रीन में काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे होम स्क्रीन पर जाएंगे तो आप इसमें जो कॉलम्स की जो विड्थ और जो रोज होती हैं उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। सर्च बार को अगर रिमूव करना चाहते हैं बॉटम सर्च बार को तो रिमूव कर सकते हैं। स्वाइप अप इंडिकेटर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। डॉक आइकन्स जो हैं डिफॉल्ट होते हैं, जितने रखना चाहते हैं उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको चार चाहिए, पाँच चाहिए कि छः चाहिए। और कुछ जेस्चर्स भी मिलते हैं आपको, जैसे इसका डबल टैप सिलेक्ट द एक्शन ऑफ डबल टैप जेस्चर्स ऑन होम स्क्रीन। अगर कुछ डबल टैप करेंगे तो आपको क्या चाहिए, जैसे इसमें लिखा है स्लीप हो जाएगा या फ्लैशलाइट, तो आप उसको यहाँ से डबल टैप कर सकते हैं। स्वाइप डाउन पर आपको क्या चाहिए, नोटिफिकेशन की QoS पैनल, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको मिलता है होम स्क्रीन में। ऐप ड्रॉअर में भी आपको कुछ वही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ऐप सजेशन चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, मैंने रखी हुई है ऐप सजेशन ऊपर में। और टॉप सर्च बार में दिखा देता हूँ ऐप सजेशन और टॉप सर्च बार जो होता क्या है। जब आप लॉन्चर में जाएंगे तो देखिए ऐप सजेशन आपको कुछ ऐप्स की सजेशन मिलेंगी ऊपर कि जिनको आप मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और सर्च बार आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलता है। तो ये वो दो चीज़ें थी जो मैं आपको अभी बता रहा था, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। हाइड ऐप कर सकते हैं, आप कौन से ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से ईजिली। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको हाइड करने के लिए, आपको एक फीचर इनबिल्ट मिलता है। ऐप आइकन्स के अंदर जाके आप आइकन पैक को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम जो ग्लिम आइकन पैक है हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है और उसको इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से आप जो भी आइकन पैक है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आइकन की जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर, राउंड स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। अदर्स में जाके आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, ऐड आइकन टू होम स्क्रीन और स्क्रीन ओरिएंटेशन देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया इसका डेस्कटॉप का लुक, आप क्या क्या इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो अब सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में आपको क्या देखता है। सेटिंग में सबसे पहले मैं आपको सिस्टम में ले जाता हूँ। सिस्टम में आपको देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे AOSIP अपडेटर का ऑप्शन, दैट मींस कि आपको इसके OTA अपडेट्स मिलेंगे। जब भी इस रूम का कोई अपडेट आएगा आपको जो रिफ्रेश का बटन है इस पर एक बार टैप करेंगे, आपको यहाँ पे अपडेट दिख जाएगा, जैसे कि लिखा आ रहा है नो न्यू अपडेट्स फाउंड। तो अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अबाउट फोन भी में चलेंगे, उससे पहले मैं एडवांस सेटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए एडवांस सेटिंग में इनेबल कैमरा टू एपीआई इनेबल है, आपको इसको एक बार इनेबल करना है और रिबूट करना है, उसके बाद कैमरा टू एपीआई के सारे फीचर्स जो हैं आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएंगे, जो मैं आपको चेक करा देता हूँ मैनुअल कैमरा कंपेटिबल टेस्ट के थ्रू। ये देखिए स्टार्ट करते हैं, ये देखिए सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो ग्रीन है, यानी कि आप इसमें गूगल कैमरे को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका अच्छा फीचर है। अब चलते हैं अबाउट फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अबाउट फोन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये AOSIP बिल्ड है, 8.1.0 पे रन कर रहा है, और सबसे अच्छी बात जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो लेटेस्ट है, August 5th, 2018 का, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये इसका मतलब कि जो आप रोम जो है फुली अपडेटेड है। बाकी सारी चीज़ें इसमें वोल्ट के फीचर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वोल्ट सिम जो है अच्छी तरीके काम कर रहा है, जियो वगैरह। बाकी आपको उसके अंदर डिस्प्ले वगैरह सारे के सारे ऑप्शन वही मिलते हैं जो आपको ओरियो के रोम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप बात करें क्या फीचर इसमें और आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन है आउल्स नेस्ट, ये इसका मेन फीचर है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टेटस बार, क्यूक सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, नेविगेशन, हार्डवेयर बटन्स, रीसेंट्स, लॉक स्क्रीन,
जेस्चर और एडवांस सेटिंग। स्टेटस बार में जाके आप कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे बैटरी परसेंटेज आप हिडन करना चाहते हैं हिडन कर सकते हैं, कोई करना चाहे करियर लेबल क्लॉक वगैरह आइकन्स वगैरह जो कुछ भी आप सेट करना चाहें इसमें जाके इनको ईजिली अरेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार में आप ट्रैफिक मॉनिटर वगैरह जो भी आप इसमें सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसी तरीके से क्विक सेटिंग जो टॉगल्स हैं उनकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्विक पुल डाउन वगैरह एनिमेशन स्टाइल जो होता है उनका उनको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह एलईडी लाइट जो होती हैं अपनी बैटरी की जो नोटिफिकेशन होते हैं वो भी आप इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर बटन्स को भी थोड़ा बहुत ट्यूक कर सकते हैं, जैसे रिबूट है एडवांस रिबूट को करेंगे तो आपको रिबूट के ऑप्शन बहुत सारे उसके अंदर पावर के बटन काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे एडवांस पे टिक करेंगे एडवांस पे आपको काफ़ी सारे और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर एयरप्लेन मोड भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें स्क्रीनशॉट और एयरप्लेन जो मोड है वो भी ऐड हो गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सॉरी एक बार इसको अनलॉक कर लेते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट मोड वगैरह सारे के सारे इसके अंदर अब जो है ऐड होंगे। इस तरीके से आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिस तरीके से आप करना चाहें। उसी तरीके से आप वॉल्यूम के बटन्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उसमें आपको क्या ऑप्शन चाहिए, आप उनके थ्रू क्या क्या चीज़ें कमांड्स को रन करना चाहते हैं। हार्डवेयर बटन दिखा दिया हमने, रीसेंट जो टैब्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो जेस्चर सपोर्ट में आपको क्या क्या जेस्चर्स मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। AOSP में जाएंगे तो सिर्फ जंप ऑफ कैमरा है वो जो नॉर्मली होता है। थ्री फिंगर जेस्चर में क्या होगा, थ्री फिंगर जेस्चर से आप इसे करेंगे तो जो स्क्रीनशॉट जो होगा आपका फ़ोन वो कैप्चर कर लेगा। ये देखिए कर लिया। अब ये देखिए एडजस्ट ब्राइटनेस बाय स्लाइडिंग अक्रॉस द स्टेट बार, और स्टेट बार पर आप एडजस्ट करेंगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा हो पाएगी। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप ब्राइटनेस कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो इसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन भी है, और स्टेटस बार पर डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक स्लीप हो जाएगा। देखिए मैं टैप करता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से आप इन जेस्चर्स को अपने फ़ोन में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। एडवांस सेटिंग्स में भी कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जो काफ़ी आप चेंजेस करते हैं सिस्टम के सेटिंग्स में, अलार्म ब्लॉकर सस्पेंड एक्सटेंस एक लॉक ब्लॉकर, तो आप इन सब चीज़ों को इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब बेंचमार्क स्कोर जो इसको मिला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जो है यानी गूगल तेज जो है इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है, जो मैं रन करके दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए तो ये देखिए गूगल तेज जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। हम अपने फ्रेंड का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि नहीं, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन सारी इसमें ठीक तरीके से काम कर रही है। अब जो है बेंचमार्क स्कोर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बेंचमार्क स्कोर क्या मिला है इसको। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बेंचमार्क स्कोर आप दिखाते नहीं है, तो ये देखिए बेंचमार्क स्कोर मिलता है इसको 114572 जो कि एक ठीक बेंचमार्क स्कोर है इस फोन के लिए। तो अब बात करेंगे आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको दो फाइलें चाहिए, दोनों फाइलों को अपने फ़ोन में सेव करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप उनको अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। मैं दिखा देता हूं कौन कौन सी दो फाइलें चाहिए आपको। तो ये वो दो फाइलें हैं, एक AOSIP की रोम और ओपन जी एप्स के एप्लीकेशन सॉरी जिप फाइल जिसको आपने इंस्टॉल करना है रोम को इंस्टॉल होने के बाद, ताकि आप जो गूगल के एप्लीकेशन जो है आपको अपने फ़ोन में मिल सके। अगर आप इस फाइल को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपको गूगल कोई भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर नहीं मिलेंगी। इनको सेव कर लेना है और फ़ोन को हम स्विच ऑफ कर देंगे ताकि हम फ़ोन को TWRP मोड पर जा सकें। स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद TWRP मोड पर जाने के लिए आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम अप का बटन होता है और पावर के बटन को होल्ड करना है। पहले वॉल्यूम अप को प्रेस करेंगे फिर पावर को थोड़ी देर तक होल्ड रखेंगे और जो हमारा फ़ोन जो है TWRP कस्टम रिकवरी बूट पे बूट करेगा। जैसे फ़ोन बूट करेगा आपको क्या करना है, पहले वाइप कर लेना पड़ेगा। आपको इंटरनल स्टोरेज को वाइप नहीं करना है, नहीं तो आपने जो फाइलें सेव की हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी। ये देखिए हम टीम विन पे आ चुके हैं, स्वाइप अलाउ ऑटोमेटिक फंक्शन वाइप पे जाएंगे, आपके जो एप्लीकेशंस वगैरह के डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। गेम्स वगैरह अगर आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं तो टाइटेनियम बैकअप एक ऐप आता है उसके आप ले सकते हैं। डाल्वी कैश कैश डाटा और सिस्टम वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप टू वाइप कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वापस होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाके इंस्टॉल, इंस्टॉल पे जाके जो AOSIP की रोम फाइल थी उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी जो है रोम को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा। ये प्रोसेस थोड़ा कम से कम नियर अबाउट 1 to 2 मिनट लेगा। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना बने, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद आपको सिर्फ जी एप्स की जो एप्लीकेशन है उसको एक बार इंस्टॉल करना है और उसके बाद अपने फ़ोन को रीबूट सिस्टम कर देना है। रीबूट सिस्टम करने के बाद आपका फ़ोन जो है जो सेटअप स्क्रीन आएगी आपको कि आपको पासवर्ड वगैरह आपको कन्फिगर करने पड़ेंगे, वाईफाई के पासवर्ड वगैरह जो भी आपको होते हैं सिम को कन्फिगर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप AOSIP के सारे फीचर्स को अपने फ़ोन में इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि पैचिंग सिस्टम इमेज अनकंडीशनली और पैचिंग वेंडर इमेज हो रही है, यानी कि लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो है हमारा रोम फ्लैश हो जाएगा और उसके बाद हम सिर्फ ओपन GApps के फाइल को फ्लैश करने के बाद रीबूट सिस्टम कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं अभी हम। ये देखिए मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, बस दैट्स इट। अब क्या है, वापस जाएंगे होम पे इंस्टॉल और GApps के फाइल को सिलेक्ट करेंगे, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश।
ये भी थोड़ा सा नियर अबाउट 1 मिनट लेगी, और ये गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क और गूगल एप्लीकेशन की जो फाइलें होती हैं उनको आपकी इस रूम के साथ इंस्टॉल कर देगी, ताकि आप इस रूम के अंदर जितने भी गूगल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें, क्योंकि जो कस्टम रूम्स होते हैं उसके अंदर गूगल के एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल नहीं होते हैं, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए इस फाइल को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। अगर आप इस फाइल को नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपको अंदर गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, और यानी कि आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन और गेम्स अपने फेवरेट गेम्स को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही टाइम खत्म होता है आपको रिबूट सिस्टम कर देना है। थोड़ा बने रहिए भी मेरे साथ। तो ये देखिए जी एप्स की फाइल भी जो है इंस्टॉल हो चुकी है, वाइप कैश स्टॉल भी करेंगे, स्वाइप टू वाइप, रिबूट सिस्टम डू नॉट इंस्टॉल, दैट्स इट। अब रोम जो है हमने सक्सेसफुली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है नोट 5 प्रो में। आप पहले MI को का लोगो देखेंगे, उसके बाद AOSIP की जो बूट एनिमेशन है वो आपके सामने आ जाएगी, दैट मीन्स कि रोम जो है सक्सेसफुली आपने फ़ोन में फ्लैश कर लिया है। ये देखिए जो बूट एनिमेशन है कुछ इस तरीके की है, ये देखिए नीचे लिखा आ गया है AOSIP। अब ये थोड़ी देर में है, आपका जो है 2 मिनट के बाद आपका फ़ोन जो है सेटअप पेज पर आएगा, आपको सेटअप करना है और आप इस रोम के सारे फीचर्स को इन्जॉय कर पाएंगे। ये रोम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग नहीं है इसमें, बैटरी बैकअप इसमें बहुत अच्छा है, आपको ये रोम एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, आप निराश नहीं होंगे इसके बैटरी बैकअप के परफॉर्मेंस को देख के। बस ये इस वीडियो यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।